नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के टॉपिक लेकर आ गया हूं, जो कि इस महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। मतलब दिसंबर महीने को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। कौन कौन से? तो अवार्ड हो गया या फिर अपॉइंटमेंट हो गया, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है दिसंबर के पहले और दूसरे वीक में, उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है, और इम्पॉर्टेंट डेज़ को। इन सभी टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अवार्ड्स और ऑनर की, मतलब अवार्ड्स जिसको जिसको मिले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होगा रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे का एनटीपीसी, रेलवे का ग्रुप डी। इन दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा शिफ्टें होती हैं। एनटीपीसी का तो सीबीडी 2 होना है, जिसमें 5 दिन में पेपर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी होना है उसमें ज़रूर आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और सारे एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 21 साल बाद कोई सुंदरी मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, जो कि भारत से रिलेटेड है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे पहले लारा दत्ता थी, जो कि ये खिताब 2000 सन में जीती थी, और अब इनका नाम है हरनाज संधू, जो कि 70वीं मिस यूनिवर्स बनी है। ये भी अपने में एक क्वेश्चन बन गया है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हरनाज संधू हैं ये मिस यूनिवर्स बनी है और भारत से बिलोंग करती हैं, 70वीं नंबर की है, और भारत की ये तीसरी महिला है जो कि अभी तक मिस यूनिवर्स बनी। पहली थी कौन, उनके बारे में चलिए आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, पहले यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। तो दूसरी पोजीशन पर कौन रहा? जीत तो गई हमारी भारत की हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, और दूसरी पोजीशन पर रही नादिया फरेरा, जो कि पराग्वे से बिलोंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका की ललेला मसवाने, जो कि तीसरे नंबर पर रही। इतना इनका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरनाज संधू के बारे में आपको जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 70वां नंबर, भारत की तीसरी सुंदरी जो कि मिस यूनिवर्स बनी, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी सारी इस स्लाइड में बात करते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए स्पेशल स्लाइड बनाई है, जिसमें मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है भारत के पर्सपेक्टिव से। तो बात कर ले मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था 1951 में, और मिस यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था 1952 में, जो कि आपको जानना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां पर आपको बता दूं, 6 सुंदरियां ऐसी हैं जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है, भारत से बिलोंग करती हैं, और सिर्फ आज तक 3 ही सुंदरियां ऐसी हुई हैं जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। मिस वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहली थी रीता फारिया, जिनको 1966 में यह अवार्ड मिला, कौन सा? मिस वर्ल्ड का। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय थी, 1997 में डायना हेडन थी, 1999 में युक्ता मुके थी, फिर 2000 सन में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में मानुषी झिल्लर। ये 6 सुंदरियां थी जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स 3 सुंदरियां ऐसी थी जिनको ये खिताब मिला, जो कि पहली थी सुष्मिता सेन, और दूसरी थी लारा दत्ता, और तीसरी हो गई है हरनाज संधू। आप दो को तो पक्का जानते होंगे, हरनाज संधू के बारे में भी आप जान चुके होंगे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनका, तो आप समझ सकते हैं बहुत फेमस क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड होगी आपके लिए। आगे बात करें अब अगला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीना गुप्ता जो कि महिला है, और ये अभी तक की तीसरी महिला हुई हैं, थर्ड महिला है, मतलब तीसरी, 3 महिला अभी तक हुई हैं पूरे काल में, 2005 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, रामानुजन प्राइस, 3 महिलाओं को ही मिला, ये तीसरी महिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं को जब भी कोई यूनिक अवार्ड मिलता है जिसमें पुरुषों का दबदबा रहता है, वो अवार्ड पक्कम पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंडियन मैथमेटिशियन है नीना गुप्ता, जिनको रामानुजन प्राइज दिया गया है 2021 का। मैथमेटिक की फील्ड में काफ़ी बड़ा अवार्ड है ये, जो कि इनको प्रोवाइड कराया गया है।
यहाँ पर बात करें नीना गुप्ता की, तो नीना गुप्ता मैथमेटिशियन के रूप में काम कर रही है ISI में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, वहाँ पर ये काम कर रही है। और तीसरी महिला बनी है जिनको रामानुजन प्राइस मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नीलमानी फुकन जूनियर और दामोदर मौजो, इन दोनों को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज्ञानपीठ अवार्ड देना कब से स्टार्ट किया गया, 1965 से देना स्टार्ट किया गया। और यहां पर असम के, असमिस भाषा के पोएट हैं नीलमानी फुकन जूनियर, जिनको 56th जूनियर ग्रैंड प्रिक्स जूनियर अवार्ड दिया गया। और कोंकणी भाषा के दामोदर मौजो हैं, जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। आपको ये याद रखना है, 1965 से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। और ये दोनों नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, यहाँ पर वैसे मैंने लिख भी दिया है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। पहला अवार्ड दिया गया 1965 में, और टोटल अभी टोटल अवार्ड दिए जा चुके हैं 62, और पहले विनर थे जी शंकर कुरूप। याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी लास्ट वाले हैं वो कौन है, तो ज्ञानपीठ के दामोदर मौजो इम्पॉर्टेंट है। किस भाषा में, तो कौन-कौनी मतलब कौन-कौनी भाषा में ये राइटिंग किया करते थे उसमें इनको मिला है, नॉवलिस्ट है। और ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला अवार्ड है निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है। ये क्यों इनको मिला है, मैं आपको बता दूं, सूफी संत और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, जो दरगाहें हैं, इनको रीडेवलप्ड किया जा रहा है। मतलब कुछ इतने साल हो गए तो टूटा फूटी हुई है, उसको सही किया जा रहा है, जिसके लिए धरोहर को, जो हमारी विश्व धरोहर हैं जिनको लोग ज़्यादातर देखने आते हैं, उनको सजोजने के लिए यूनेस्को ने निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को दो अवार्ड दिए हैं। दो अलग अलग कैटेगरी में दो अवार्ड दिए हैं, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा अवार्ड है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बचा के रखना है बिल्डिंगों को जो पुरानी हो गई, उसके लिए निज़ामुद्दीन बस्ती को ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अवार्ड है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये अनाउंस अभी हाल ही में किया गया है। और इसमें रतन टाटा को असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात की जाए असम की भाषा में, तो असम वैभव अवार्ड इसे कहा जा रहा है। जो कि रतन टाटा कौन है, तो आप जानते होंगे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो कि दान वगैरह देते रहते हैं। और इनका एक जो काम है कैंसर मरीजों के लिए, इन्होंने हॉस्पिटल डेवलप करे हैं जिसकी वजह से, और काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करी हैं जिसकी वजह से असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है। बात की जाए, असम के गवर्नर इस समय है जगदीश मुखी, और असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा। आगे बात करें, अगला है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये महिला है, इनको वर्ल्ड एथलीट के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अंजू बॉबी जॉर्ज को ही 2021 में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और किसमें, बेस्ट एथलीट की कैटेगरी में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलीट ने वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा है, और BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसमें बेस्ट एथलीट की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है 2021 में ही। अगर इनकी थोड़ी और बात जाने, तो ये जंप करती हैं, ये लॉन्ग जंपर हैं, ये आपको इनकी बात ध्यान रखनी है। मतलब जंपिंग करती हैं, जंपिंग का जो एक खेल होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं भारत की तरफ से। और अर्जुन अवार्ड इनको 2002 में दिया गया, पद्मश्री अवार्ड इनको 2004 में दिया गया, खेल रत्न अवार्ड इनको 2003 में दिया गया। ठीक है, चलिए ये सारे आप अवार्ड याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट 11 और 12 दिन का मैंने पूरा यहाँ पे करंट अफेयर कवर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा, मैंने आपको बता दिया अवार्ड से रिलेटेड, डिफेंस से, ये सारी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाइएगा, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार को गोल्ड मेडल मिला है, कहाँ पर मिला है,
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो ये इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो ये कराया जा रहा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। वो ऑर्गेनाइज किसने करवाया तो मैं आपको बता दूं, हमारी भारत सरकार ऑर्गेनाइज करा रही है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन किया है पीयूष गोयल जी ने। इनके पास मिनिस्ट्री है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री इनके पास होल्ड करके रखे हुए हैं। और राज्यसभा के जो इस समय पक्ष है, मतलब मोदी सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, पीयूष गोयल, लीडर ऑफ राज्यसभा भी इस समय पर पीयूष गोयल ही हैं। यहाँ पर बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ये इसकी थीम थी। और एक कैंपेन चलाया गया वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए जिससे उनकी मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ सके, ठीक है, इसका मेन मोटो है। और अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हर राज्य प्रमोट करता है, अपने यहाँ की संस्कृति को प्रमोट करता है जिससे कि वहाँ पर टूरिज्म डेवलप हो सके। ये माध्यम जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का माध्यम ये बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपने राज्यों को प्रमोट करने का, अपनी कंपनी को प्रमोट करने का एक माध्यम ये प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर कोई राज्य नहीं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी अपने जो ट्रेड फेयर में अपनी स्टॉल लगाती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं कि देखो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आप इसको ज़्यादा यूज़ करें, ये करें, मतलब प्रमोशन का एक माध्यम है ये, ठीक है, बड़े लेवल पर। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, वी प्रवीण कुमार जिनको 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2017 और 19 वाली कैटेगरी में दिया गया है, मतलब 2017 और 19 का जो ईयर था उसमें, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड वी प्रवीण राव को प्रोवाइड कराया गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर बात की जाए, 2004 से ये अवार्ड को दिया जा रहा है। और आपको मालूम होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहे जाते हैं, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जा रहा है, जो कृषि की फील्ड में, कृषि को उत्कृष्ट बनाने की फील्ड में जो काम करता है उनको यह अवार्ड प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया, वी प्रवीण राव जी को। आगे बात करें, अगला है लियोनेल मेसी जो कि एक फुटबॉलर है, और फुटबॉल का एक अवार्ड होता है बालेंडी और अवार्ड है, जो कि 1956 से रेगुलर दिया जा रहा है। इसमें लियोनेल मेसी को यह अवार्ड इस बार दिया गया है। लियोनेल मेसी ये पहली बार तो नहीं जीते, पहले भी बहुत जीते हैं, कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, 2009 में इनको मिला, 10 में मिला, 11 में मिला, 12 में मिला, और 2015 में इनको ये अवार्ड मिला, और अब 2021 में भी इनको ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अब इनको अकेले को थोड़ी ना अवार्ड मिला है, और भी बहुत सारे कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं बालेंडी और की तरफ से, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लें। तो बालेंडी और मेंस में तो मैंने आपको बता दिया लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, क्लब ऑफ द ईयर किसको मिला, तो हो जाएगा चेल्सा फुटबॉल क्लब को ये अवार्ड मिला है। यासिन ट्रॉफी फॉर बेस्ट गोलकीपर किसको मिला, ग्यालुगी दोनारुम्मा जो कि इटली के प्लेयर है, इनको ये अवार्ड मिला है। बालेंडी और वुमेन कैटेगरी में किसको मिला, तो आंसर हो जाएगा स्पेन की प्लेयर है एलेक्सा पुटेलास, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दो अवार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शिफ्ट में आपसे लियोनेल मेसी का क्वेश्चन आ जाएगा, अगली शिफ्ट में आपसे वुमेन कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाएगा, तो याद रखिएगा दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोस्की को मिला, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट यंग मेल प्लेयर किसको मिला, तो पेड्री को मिला, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। सारे आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये तीन अवार्ड तो ज़रूर याद कर लेने हैं, एक तो मेंस कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी और क्लब ऑफ द ईयर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अब बात करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की। तो जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं इस मंथ में, ये 11-12 दिन में जो दिसंबर के बीच चुके हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा पहला तो अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ, आपने सुना होगा एग्जाम में, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट इसके बारे में पूछा ही जाता है, कोई फुल फॉर्म पूछ लेगा, कोई इसका स्थापना ईयर पूछ लेगा, कोई इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, कोई इसके जो इस समय हेड है वो पूछ लेगा, तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ में नए हेड अपॉइंट हुए हैं, जो कि पहले थी हेनरिट्टा फोर,
तबीयत वगैरह इनकी ख़राब रहने लग गई है और कुछ फैमिली रीज़न की वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इनकी जगह पर एंटोनियो गुटरस जो कि यूएन के इस समय हेड हैं, उन्होंने, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कैथरीन रसल को यूनिसेफ का अगला हेड बना दिया है। और कैथरीन रसल बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। आपको इनका याद रखना है, इनकी कंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो एंटोनियो गुटरस जो कि खुद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कैथरीन रसल को जो कि यूके से बिलोंग करती हैं, यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं और लंदन में इस समय रह रही हैं, तो इनको नया हेड बना दिया है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इनकी फुल फॉर्म है। और मैंने आपको बताई थी लंदन में रहती हैं, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसको फाउंड किया गया था 1946 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फिक्की के इस समय प्रेसिडेंट चुने गए, नए प्रेसिडेंट चुने गए, तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिक्की संजीव मेहता, तो वहां पर संजीव मेहता, मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट बने हैं फिक्की के। अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे, संजीव मेहता, नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि फिक्की बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब फाउंड हुआ, 1927 में फाउंड हुआ। ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और सेक्रेटरी जनरल है अरुण चावला। अरुण चावला सेक्रेटरी जनरल है और फिक्की के प्रेसिडेंट बनेंगे संजीव मेहता। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए संजीव मेहता की, तो ये है क्या, मतलब कौन, क्या पर्सन इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब इनको इस पद पे पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है HUL के, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, और अब इनको प्रेसिडेंट के रूप में फिक्की में चुन लिया गया है। आगे बात करें, अब फिक्की की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से जिसमें MD और CEO बनाए गए इतिरा डेविस को, इतिरा डेविस को नया MD और CEO बना दिया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और फाउंडर है इनके समित घोष, और 2004 में इसको फाउंड किया गया था। ये सारे जो अपॉइंटमेंट है ना, जितने भी एग्जाम आपको अब आगे आने वाले हैं ना, ये सब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ तो टफ क्वेश्चन बनाने होंगे। और 90% लोग इसको छोड़ देंगे, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लोग यूनिसेफ का याद कर लेंगे, लोग फिक्की का याद कर लेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को छोड़ेंगे और ये एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है। इतिरा डेविस जो कि MD और CEO बन गई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन जिसमें मैंने आप वन लाइनर के फॉर्म में इनको कवर किया है, जैसे कि यूनिक्स जो कि क्या बनाती है, चार्जर ईयरफोन वगैरह बनाती है, जिसने जसमीत बुमराह जो कि हमारे इंडियन फास्ट बॉलर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है। दूसरा है रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर चुना है किनारा कैपिटल्स ने, जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है। स्मृति मंदाना जो कि गुवी, एक गुवी कैंपेन चला रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास क्या कर रहा है गुवी कैंपेन के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं IT फील्ड में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि IIT फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और यहाँ पर पढ़ें और अपने आप को डेवलप करें और जाकर किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करें और दुनिया को डेवलप करने की ओर आगे बढ़ाएं, जिसके लिए गुवी नाम का एक कैंपेन चला रहा है और स्मृति मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो जो कि हेड बन गए हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज के, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अगला है संबित पात्रा, संबित पात्रा चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। मैं आपको बता दूँ टूरिज्म का जो सेक्टर है ना, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में आया है, जिसको अब प्रमोट करेंगे संबित पात्रा जी और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये जो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसको बनाया गया था 1966 में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, लेकिन अब बात करें आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड। तो रैंकिंग रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी 11-12 दिन में बने हैं करंट अफेयर, उनको यहां पर कवर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की रैंक 56 हुई है किसमें, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में। तो टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की रैंक आई है 56,
ठीक है, याद रखना है। और इस पर टॉप कौन कर गया है, तो स्विट्जरलैंड, मोस्टली यूरोपियन कंट्री ही टॉप पे है, और स्विट्जरलैंड याद रखना है आपको कि इस पर टॉप कर गया है। भारत की रैंक है 56। इस रैंक को निकालता कौन है, इस रैंकिंग को निकालता कौन है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको निकाला जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र दोबारा से टॉप कर गया है, मतलब स्किल में महाराष्ट्र के जो लोग हैं स्किल में काफी बेहतर काम करते हैं दूसरे राज्यों के कंपेयर में, तो महाराष्ट्र यहां पर टॉप पर है। 9th एडिशन है जिसको इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 कहा गया है, ठीक है। इसको रिलीज किसने किया है, वी बॉक्स ने रिलीज किया है, क्योंकि महाराष्ट्र टॉप पर है। सिटी में देखा जाए तो पुणे टॉप पर है, कहा जाता है कि पुणे के जो लोग हैं काफी बेहतर काम करते हैं अगर वो एम्प्लॉय के रूप में काम करें किसी भी कंपनी में तो, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यहां पर अगली रिपोर्ट है फॉर्च्यून इंडिया। फॉर्च्यून इंडिया के अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 में निर्मला सीतारमन है भारत में, तो भारत में मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन, निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और दूसरी पोजीशन पर कौन है, तो आपको बता दूं, अंबानी जी, आपने सुना होगा मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी नीता अंबानी दूसरी पोजीशन पर है, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है और गुडविल एम्बेसडर भी इस समय पर वो हैं। और सौम्या स्वामीनाथन थर्ड पोजीशन पर है, जो कि WHO में काम कर रही है चीफ साइंटिस्ट के रूप में। किरण मजूमदार सौ, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बायोकॉन की, वो फोर्थ पोजीशन पर है। और सुचित्रा एला, जो कि को फाउंडर और ज्वाइंट MD है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की, ये फिफ्थ पोजीशन पर है। लेकिन आपको टॉप पोजीशन तो याद रखनी ही है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगली रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 4th, और टॉप पर है कोई भी एशिया का देश नहीं है, कौन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका टॉप पर है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व है, मतलब कि उनकी यहाँ पर काफ़ी चलती है, ये कह सकते हैं देशों में काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव है, जिसकी वजह से इसको टॉप पर किया गया है, किसके द्वारा, लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। दूसरी पोजीशन पर चाइना, तीसरे पर जापान, और चौथे पर भारत, और पांचवे पर रशिया यहाँ पर लोकेटेड है पावरफुल कंट्री के रूप में। आगे बात करें, तो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा से एक रैंकिंग में इनकी बात हुई है, 37th रैंक पर है फोर्ब्स 2021 वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की कैटेगरी में। इस पर टॉप कौन पर है, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं निर्मला सीतारमन जी, वो तो 37th पोजीशन पर है, टॉप पर भी तो कोई होगा, तो टॉप पर है, आपने सुना होगा अमेजन के जो मालिक हैं उनकी पूर्व पत्नी, पूर्व मतलब उन्होंने तलाक वगैरह दे दिया है, तो मैकेंजी स्कॉट्ज, जो कि इस समय पर मोस्ट पावरफुल वुमेन है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, टॉप 100 लिस्ट निकाली उसमें टॉप पर कौन है, मैकेंजी स्कॉट, याद रखिएगा नाम, आपके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपसे बता दूं, इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 भारतीय महिला हैं जो कि इस 100 वाली लिस्ट में शामिल हैं। अब वो 4 कौन कौन सी है, दिमाग में आपके लग रहा होगा कि बता दो भैया, तो मैं बताता हूं, देखो फाइनेंस मिनिस्टर तो 37 नंबर पे हैं, ये आपने जान लिया। रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि 52 पोजीशन पर है, HCL की चेयरपर्सन है वो, ठीक है। अगर बात करें किरण मजूमदार सौ, जो कि 72 पोजीशन पर है, बायोकॉन की वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और फाल्गुनी नायर, आपने सुना होगा सेल्फ मेड बिलेनियर बनी है, जो कि कितने नंबर पर है, 88 नंबर पर है, मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए 88 रैंक पर है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करें, नायका, आपने सुना होगा कंपनी, उसकी ये फाउंडर है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, इसने भी एक रैंकिंग निकाली जिसमें वर्ल्ड की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग सबसे कॉस्टियर, मतलब एक्सपेंसिव, जहां पर आप रहेंगे तो बहुत सारा आपका खर्चा होगा, वो है तेल अवीव, दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, जो कि इसराइल की एक सिटी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, तेल अवीव सबसे एक्सपेंसिव सिटी इन्होंने निकाली है। और आपके दिमाग में चल रहा होगा सबसे चीपेस्ट कौन सी है, तो सीरिया की दमास्कस, यहाँ कोई जाना नहीं जाता, वो सबसे चीपेस्ट है, याद रखिएगा, दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें ये जो
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट है, इसको फाउंड कब किया गया, तो 1946 में फाउंड किया गया। लंदन इसका हेडक्वार्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है सिमोन बाप्टिस्ट। आगे बात करें, अब बात करेंगे डिफेंस के करंट अफेयर की। जो भी 12 या 13 दिन में जितना करंट अफेयर बना है उसको हम डिफेंस के करंट अफेयर को कवर यहां पर करने वाले हैं। बात करें, डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है एयर वर्जन, मतलब ऑलरेडी ब्रह्मोस का, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका टेस्ट किया जा चुका है सफलतापूर्वक, लेकिन एयर के माध्यम से। पहले एयर के माध्यम से नहीं किया गया था, पहले जमीन से किया गया था, अब एयर के माध्यम से ब्रह्मोस को टेस्ट किया गया और जिसमें सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। तो डीआरडीओ ने यह टेस्ट किया है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको टेस्ट करने के लिए किसी एयरक्राफ्ट का यूज किया गया होगा, तो एयरक्राफ्ट का नाम याद रखना है सुखोई 30 MK1। पूछा जा सकता है एग्जाम में, सुखोई 30 MK1 के द्वारा ब्रह्मोस को टेस्ट फायर किया गया, जिससे जो कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो चुका है। बात करें कहां पर, जगह तो होगी जहां पर इसको टेस्ट किया गया होगा, तो चांदीपुर ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट है, ओडिशा पे पड़ता है, वहां पर इसको टेस्ट फायर किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको सिर्फ भारत की डीआरडीओ ने नहीं डेवलप किया, रशिया के एनपीओ मतलब मशीनो सोयेनिया, एक इनकी अपनी कंपनी है, उसने और डीआरडीओ ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, मतलब इंडिया और रशिया की जॉइंट ये वेंचर है जिसमें ब्रह्मोस को डेवलप किया गया है। आपके दिमाग में चल रहा होगा ब्रह्मोस बहुत ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है, बिल्कुल है, कि बहुत ज़्यादा दूर तक अटैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हमारे पास अग्नि 5 भी है, जो कि अभी रिसेंटली में ही इसको टेस्ट किया गया था, वो 5000 किलोमीटर तक टेस्ट फायर उसका किया गया सक्सेसफुली, और चाइना पाकिस्तान तो बोल रहा है कि इंडिया छुपाता है, इसकी और ज़्यादा होगी, जो इसकी जो मारक क्षमता है वो ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत सरकार के अकॉर्डिंग बताया गया कि 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो हम 5000 किलोमीटर तक कहीं पर भी इसको दाग सकते हैं। बात करें ब्रह्मोस की कितनी है, तो 400 किलोमीटर रेंज है, 400 किलोमीटर तक हम इसको दाग सकते हैं। बात करते हैं डीआरडीओ की, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, तो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पुणे में बिम्स्टेक की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज PANEX 21 को ऑर्गेनाइज कराया गया। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक की एक एक्सरसाइज हुई PANEX 21, कहां पर ऑर्गेनाइज हुई? पुणे में। याद रखिएगा, पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। ये क्या लड़ाई वाली एक्सरसाइज है, मतलब अगर दो देश मिल जाएंगे और उसके बाद बिम्स्टेक वाले देश सारे मिलकर लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई वाली एक्सरसाइज नहीं है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ, जो भी मान लीजिए डिजास्टर आता है उसमें जो भी रिलीफ चाहिए होगा दूसरे देश को, वो आसानी से इस एक्सरसाइज के माध्यम से कवर किया जा सकता है, और इसीलिए इस एक्सरसाइज को कराया गया, जिससे कि हमें पता चल सके कि मान लीजिए डिजास्टर हमारे यहाँ आया तो हम किससे मदद मांगे। मदद मांगने के लिए सही आदमी की भी जरूरत होती है ना, तो किस देश से मदद मांगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सबकी शक्तियाँ जान लेंगे कि भाई इस देश में ये शक्ति है, इस देश में ये शक्ति है, हम इस देश से कह देंगे भाई हमारी मदद करो, हमें आपकी ज़रूरत है, अगर उनका मन करेगा तो कर देंगे मदद। तो मदद के लिए इस एक्सरसाइज को डेवलप किया गया, जिससे कि इनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो समझ सके एक देश की और दूसरे देश की शक्तियों को। ठीक है, यहाँ पर बिम्स्टेक की बात की जाए तो बिम्स्टेक की कंट्रियाँ कौन कौन सी है, तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड, ये इनकी कंट्रियाँ हैं, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मालदीव और इंडिया ये दोनों देश मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या नाम है उसका? एक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में हो रही है, 11th एडिशन है। कहाँ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो मालदीव में एक आइलैंड है जिसका नाम है कद्दू आइलैंड में ऑर्गेनाइज इसको कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड, जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज अभी बने हैं उन सभी को रिवाइज कर लेंगे, हम वहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वन लाइनर के माध्यम से आपको सारे जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करा दूंगा।
जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, बीएसएफ ने 57th रेजिंग डे को मनाया, कब मनाया, 1 दिसंबर को, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, आपको मालूम भी होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और अगला है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, उसको कब मनाया गया, 2 दिसंबर को मनाया गया। ये सारे डेज को याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला 3 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया गया इंडियन नेवी डे, बहुत बार पूछा गया है आपसे। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक 4 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, नेशनल आर्म फोर्स, या फिर आपको सिर्फ फ्लैग डे भी लिखा मिल सकता है, तो फ्लैग डे कब मनाया गया, 7 दिसंबर को मनाया गया। अगला 9 दिसंबर को रिमेंबर द विक्टिम प्रिवेंट जीनोसाइड, ये एक डे मनाया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने नॉर्मली लिख दिया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट डे आप सबको याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 10 दिसंबर को मनाया गया। और इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।